हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज हम बात करेंगे आधुनिक युग की मीराबाई कही जाने वाली महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि उनका जन्म और परिवार से संबंधित कुछ बातें। उनका जन्म जो है 26 मार्च 1907 ईस्वी को प्रातः 8 बजे होलिका के दिन हुआ था, ठीक। और कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के भारत में, उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों तक, यानी कि 7 पीढ़ियों के बाद, कितनी पीढ़ियों के बाद? 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था। और उनका जो बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा था। उनके जो बाबा बाबू बाके बिहारी जी हर्ष से झूम उठे थे कि उनके घर देवी आ गई हैं, इसीलिए उनका नाम क्या रखा गया था? महादेवी रखा गया था। इसीलिए उन्हें महादेवी मानते हुए अपनी पुत्री का नाम महादेवी रखा। और उनके पिता जो गोविंद प्रसाद वर्मा थे, वो भागलपुर के कॉलेज में प्राध्यापक थे, वहाँ के क्या थे? एक अध्यापक थे। और उनकी माता जो उनकी माता थी, उनकी माता का नाम था हेमरानी देवी। हेमरानी देवी बड़ी धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ, भावुक एवं शाकाहारी महिला थी। उनके विवाह के समय अपने साथ सिंहासनासीन भगवान की मूर्ति भी लाई थी। कहा जाता है कि वे प्रतिदिन कई घंटों तक पूजा पाठ करती थी, रामायण, गीता एवं विनय पत्रिका का पारायण करती थी, और संगीत में भी उनकी बहुत रुचि थी। महादेवी वर्मा का जो संगीत कला में वो बहुत रुचि रखती थी, वो संगीत से उनका बहुत लगाव था। इसके बिल्कुल विपरीत उनके पिता जो थे गोविंद प्रसाद वर्मा, सुंदर विद्वान, संगीत प्रेमी, नास्तिक, शिकार करने एवं घूमने के शौकीन थे और मांसाहारी भी थे तथा हसमुख व्यक्ति थे। महादेवी वर्मा के मानस बंधुओं में सुमित्रा नंदन पंत एवं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम लिया जा सकता है, जो उनसे जीवन प्रयत्न राखी बंधवाते रहे। वो उन्हें अपना भाई मानती थी। निराला जी से उनकी अत्यधिक निकटता थी। जो आचार्य निराला जी थे और सुमित्रा नंदन पंत थे, उनसे क्या थी? अत्यधिक निकटता थी और उनसे राखी बंधवाते थे। उनकी पुष्ट कलाइयों में महादेवी वर्मा जी लगभग 40 वर्षों तक राखी बांधती रही। जो उनका शिक्षा का स्रोत है, वो शिक्षा का जो उन्होंने शिक्षा अपनी प्राप्त की थी, इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई थी। उनकी शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? जब वो शुरू में शिक्षा लेना प्रारंभ की तो वो इंदौर के मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई थी। साथ ही वो संस्कृत, अंग्रेजी, संस्कृत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रहीं। बीच में विवाह जैसी बाधा पड़ जाने के कारण कुछ दिन शिक्षा स्थगित रही। उनका कम उम्र में ही विवाह हो गया। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक उनका जो शिक्षा था स्थगित हुआ, लेकिन फिर भी वो विचलित नहीं हुई। आगे विवाह के मतलब उनके शादी के बाद महादेवी वर्मा जी ने सन 1919 में क्रास्थवेट कॉलेज इलाहाबाद में एडमिशन लिया, इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी, वहीं हॉस्टल लेकर रहने लगी। फिर 1921 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया, फर्स्ट आई, और यहीं पर उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। कब से? सबसे पहले उन्होंने अपने जीवन में जब काव्य लिखना प्रारंभ किया तो वो 8वीं की कक्षा में थी। कब थी? 8वीं की कक्षा में। वे 7 वर्ष की अवस्था से ही कविताएं लिखने लगी थी, वहीं से 7 वर्ष की अवस्था में ही प्रारंभ की थी। और सन 1925 ईस्वी तक जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षाएं उत्तीर्ण की,
तब वे एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। सन 1925 ईस्वी तक वो क्या हो चुकी थी, एकदम प्रसिद्ध हो चुकी थी कि वो एक कवयित्री हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अपनी में आपकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। और कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान, जो एक कवयित्री लेखिका के नाम से जानी जाती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्हीं के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता हो गई। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी जी का हाथ पकड़कर सखियों के बीच में ले जाती थी और कहती थी, सुनो ये कविता भी लिखती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो कहती थी कि ये कविता भी लिखती थी। और सन 1932 ईस्वी में जब उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत सब्जेक्ट से एम ए किया, तब तक उनके दो कविता संग्रह निहार तथा रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। सन 1932 और 1934 में निहार और रश्मि नामक उनकी जो रचनाएं थी, दो का कविता संग्रह था, उसकी रचना उन्होंने कर चुकी थी। फिर उसके बाद उनका जो वैवाहिक जीवन है, सन 1916 ईस्वी में बाबा श्री बाके बिहारी ने इनका विवाह बरेली के पास में एक नवाबगंज कस्बे के निवासी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया। उनका विवाह श्री स्वरूप नारायण वर्मा से हुआ था, जो उस समय दसवीं कक्षा के विद्यार्थी थे। उस समय क्या, दसवीं कक्षा के विद्यार्थी थे। और श्री वर्मा इंटर करके लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में बोर्डिंग हाउस में रहने लगे। और महादेवी वर्मा जी उस समय क्रास्त वेट कॉलेज इलाहाबाद के छात्रावास में रहने लगी, इलाहाबाद में हॉस्टल में रहने लगी। फिर महादेवी वर्मा को विवाहित जीवन से विरक्ति थी। और इसी कारण कुछ भी रहा हो, पर श्री स्वरूप नारायण वर्मा जी कोई वैमनस्य नहीं था। सामान्य स्त्री पुरुष के रूप में संबंध मधुर ही रहे। दोनों में कभी कभी पत्राचार भी होता था। वो क्या उसको बोलते हैं, पत्र उनको भेजते थे, पत्राचार। पत्रों से उस टाइम क्या, फ़ोन मोबाइल उतना नहीं था, तो पत्रों से उनकी बातें होती थी, वो उनको पत्र लिखते थे। उसके बाद यदा कदा, मतलब कभी कभी श्री वर्मा इलाहाबाद में उनसे मिलने भी आते थे। और श्री वर्मा ने महादेवी वर्मा जी के कहने पर भी दूसरा विवाह नहीं किया। वो बहुत मतलब कहती थी कि दूसरा विवाह करने के लिए, लेकिन उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। महादेवी जी का जीवन तो एक सन्यासिनी का जीवन था। उन्होंने जीवन भर श्वेत वस्त्र पहना और तख्त पर सोई और कभी शीशा नहीं देखा। और सन 1966 ईस्वी में उनके पति की मृत्यु के बाद अस्थायी रूप से वह इलाहाबाद में रहने लगी। जो उनका कार्य क्षेत्र है, महादेवी वर्मा जी का जो क्रांतिकारी कदम है, उनका सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम ये था कि उन्होंने महिला शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया। वो महिला शिक्षा को क्या की, अधिक से अधिक बढ़ावा दी। और वहाँ पे इलाहाबाद में महिला प्रयाग विद्यापीठ की के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने। यह कार्य उस समय महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। उस टाइम महिलाओं के शिक्षा पर रोक थी, और उसी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसी की वे प्रधानाचार्य रहे, प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रही। सन 1923 ईस्वी में महिलाओं की प्रमुख पत्रिका, एक मासिक पत्रिका उन्होंने लिखी थी, जिसका नाम था चांद। पत्रिका का क्या नाम था, चांद था। प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला, ठीक। और फिर उसके बाद 1930 ईस्वी में निहार, 1932 ईस्वी में रश्मि, और 1934 ईस्वी में निर्जा, तथा 1936 ईस्वी में सांध गीत नामक उनकी
चार कविताएं प्रकाशित हुई, निर्जा, निहार, सांदगीत और रश्मि। ये चारों पूछते हैं एग्जाम में कि इनकी पत्रिकाएं कब कब प्रकाशित हुई हैं। ठीक, तो इस ये जो इनका है, ये चारों काव्य संग्रहों को याद कर लीजिएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इन चारों काव्य संग्रहों को उनकी कलाकृतियों के साथ बृहदाकार में यामा शीर्षक से प्रकाशित किया गया। किससे प्रकाशित किया गया? यामा। यामा भी उन्हीं की रचना है और उन्हीं में निर्जा, निहार, सांदगीत और ये क्या था, यामा के शीर्षक में प्रकाशित हुआ था। और उन्होंने गद्य, काव्य, शिक्षा और चित्रकला सभी क्षेत्रों में नए नए आयाम स्थापित किए। इसके अतिरिक्त उनकी 18 काव्य और गद्य कृतियाँ, उन्होंने काव्य कृतियों पद्य कृतियाँ ही नहीं, काव्य ही नहीं बल्कि गद्य कृतियाँ भी उन्होंने लिखा था, जिनमें से था कि मेरा परिवार, जो गद्य कृतियाँ हैं उनकी 18, उनमें से था एक मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएँ, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ और अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र ये सबसे प्रमुख थे। सन 1944 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी ने इलाहाबाद में साहित्य संसद की स्थापना की, साहित्यकार संसद की स्थापना की। ठीक, उसके बाद पंडित ईला चंद्र जोशी ने, पंडित ईला चंद्र जोशी को जो साहित्यकार का संपादन संभाला, यह इस संस्था के मुख्य पत्र था। उन्होंने भारत में महिला कवि सम्मेलन की नींव रखी। इस प्रकार पहली अखिल भारतवर्षी कवि सम्मेलन, जो पहला अखिल भारतवर्षी कवि सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, प्रयाग महिला विद्यापीठ में संपन्न हुआ था। और वे हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवर्तिका भी मानी जाती हैं। ठीक, हिंदी साहित्य की क्या, रहस्यवाद प्रवर्तिका भी मानी जाती हैं। महादेवी बौद्ध पंथ से बहुत प्रभावित थी, महात्मा गांधी के प्रभाव से उन्होंने जनसेवा का व्रत लेकर झूसी में कार्य किया। बहुत दिनों तक उनकी महात्मा गांधी के प्रभाव से आकर्षित होकर झूसी में काम किया और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। 1936 ईस्वी में नैनीताल से 25 किलोमीटर दूर रामगढ़ कस्बे के उमागढ़ नामक गांव में महादेवी वर्मा ने एक बंगला बनवाया था, जिसका नाम रखा था उन्होंने मीरा मंदिर। उस बंगले का क्या नाम रखा था, मीरा मंदिर। जितने दिन वे यहाँ रहीं, इस छोटे से गांव की शिक्षा और विकास के लिए काम करती रही। मतलब वो जहाँ पर भी गई बस वहाँ पर शिक्षा का ही प्रकाश डाला। उनका जो कदम था, क्रांतिकारी कदम था, बस महिलाओं की शिक्षा के लिए था। नहीं तो आजकल विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा था और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत काम किया। और के बंगले का महादेवी वर्मा के बंगले का नाम है साहित्य संग्रहालय। उनके बंगले का नाम क्या पड़ गया, वो जो मीरा मंदिर नाम का बंगला बनवाई थी उसका नाम साहित्य संग्रहालय पड़ गया। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत से साहस और दृढ़ता के लिए आवाज़ उठाई थी। और ऐसे जिस प्रकार से सामाजिक रूढ़ियाँ और निंदा, रूढ़ियों की निंदा दूर हो सके, और उन्हें महिला मुक्तिवादी भी कहा गया है, महिलाओं व शिक्षा के विकास के कार्य और जनसेवा के कारण उन्हें समाज सुधारक भी कहा गया है। उन्हें क्या बोला गया, समाज सुधारक भी वो रह चुकी हैं।